तो लाइव रिपोर्ट हम दे रहा हूं, आप देख लीजिए। आखिरी हो गया कि इन्होंने हमको मतलब थाने में भी बंद कर दिया, या तो हमारा कसूर बताएं या हमको सर्टिफिकेट दें यहाँ कि ये नजायज हमने मतलब हिरासत में रखे तो 4 घंटे हिरासत में रखने का मतलब क्या है इनका, बिना वजह बिना मतलब दे, या तो हमारे को दोस्त बताएंगे तुम्हारा दोस्त नहीं है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेतृत्व में आज संसद घेराव की जो प्रोग्राम रखा गया है, इसके लिए अनुमति हम लोगों ने सरकार से पार्लियामेंट स्टेट पुलिस थाने से पहले से मांगा था, उन्होंने 144 लागू की है, उसी का सूचना पत्र द्वारा हमारा जनरल सेक्रेटरी हरपाल सिंह को और हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल स्पोक्स पर्सन श्री नलिन तलवार जी को पत्र द्वारा सूचित किया गया। लेकिन हम लोग पिछले कई दिनों से फरवरी 20 तारीख से जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, हम लोग ने मेमोरेंडम सौंपा सरकार को, वो भी डीसी डीएम द्वारा, सांसद द्वारा, तहसीलदार द्वारा हम लोग ने सरकार को मेमोरेंडम सौंपा। अफसोस की बात है, हम लोग ने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पिछले कई सालों से अपना प्रयत्न कर रहा है, जो जिस जवान का जो वेलफेयर के बारे में विसंगतियाँ के बारे में सरकार के सामने मेमोरेंडम के द्वारा रखा गया है और कई बार आंदोलन किया है और रेल रोको आंदोलन, भूख हड़ताल, इसके अलावा जो सद्भावना, जो समझौता एक्सप्रेस, ये सब को रोके, उसके अलावा कई बार रक्षा मंत्रियों के साथ में मुलाकात भी किया, संख्या बल का काम कर रहा था, संज्ञा बल के जरिए मतलब संज्ञा बल की जगह पर जंतर मंतर पर जो 9 अप्रैल 2023 को संगठन बनकर दिखाया, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का नाम दिया। लेकिन फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जब बन रहा है, उसी के पहले ही जंतर मंतर पर सोसाइटी के अंदर जो समर्थन पत्र देने के लिए अफसरों को अभी आना शुरू हो गया। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसी बैलेंस रखा पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑफिसर्स को हम लोगों ने उसी के अंदर शामिल ना करे, उसी का बायलॉज बना दिया, जो उस बायलॉज का पालन करते हुए 150 संगठनों के साथ में हाथ मिलाया, अडवा कमेटी का गठन हुआ, जो सबसे पहला अडवा कमेटी का प्रेसिडेंट श्री अर्जुन सिंह राठौर को चुना गया, उनका जिम्मेदारी यही थे जो अपना अडवा कमेटी के दौरान सबसे पहले जो संगठन उसके अंदर अपना डॉक्यूमेंट देके हाथ मिलाया है, उनका रजिस्ट्रेशन सरकारों से हुई है या नहीं, राज्य सरकार के साथ में या केंद्र सरकार के साथ में जो रजिस्ट्रेशन हुआ संगठन को लिया गया है और बायोज के हिसाब से जो नॉन पॉलिटिकल नॉन ऑफिसर का संगठन को लिया गया है, सत्यम मंजूर करते हुए कई संगठन उसके अंदर हाथ मिलाया, अब 150 संगठन से ऊपर उसी के अंदर सम्मिलित हो चुका है। लेकिन जंतर मंतर पर कई बार अफसरों ने समझौता करने के लिए आया, भाषण देने के लिए आया, लेकिन मंच और माइक उनको नहीं दिया है और उन्होंने जो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन सकता है, इसी जैसा हमें उसका एक तरह से उसको आपने सजेशन सोचो या हमें समझा रहा है करके सोचो, नहीं तो धमकी सोचो, जो कि 75 साल से नहीं हो पाया है उसको दोबारा हम लोग ने कराने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जो संगठन जिस जवान का संगठन जो पहले बार जन्म ले रहा था वो भी जंतर मंतर था, लेकिन जंतर मंतर से जन्म लेने के बाद जो अप्रैल महीने में जो जन्म लिया है, 4-5 महीना होने के बावजूद भी उसका रजिस्ट्रेशन वर्क नहीं किया गया है, जो कि रजिस्ट्रेशन करने का जिम्मेदारी अडवा कमेटी का प्रेसिडेंट का हाथ में होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ने ऐसे लोगों को हाथ में कमान दिया है जो कि नेशनल स्पोक पर्सन जो हमारा कैप्टन लोकेंद्र सिंह जिसका नेशनल स्पोक पर्सन बना, जो सबसे बड़ा बीजेपी का एजेंट बनकर बाहर निकल रहा है, सरकार का एजेंट जो रक्षा मंत्री के साथ में या प्रधानमंत्री के साथ में या सरकार के साथ में या राष्ट्रपति के साथ में विसंगतियों के ऊपर जो बात करने के लिए, जो सरकार से सीधा बात करने के लिए कोशिश करना चाहिए था, यही कमेटी का जो अडवा कमेटी यही करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सीधा 30 अगस्त को हमारा नेशनल स्पोक पर्सन ने जो संगठन का पदाधिकारियों को लेकर भाजपा का मंच पर जाके भाषण दिया, जो हमारा
बाय लॉज के खिलाफ थे, उसको ऊपर आवाज़ उठा, उसको ऊपर कोर कमेटी में आवाज़ उठाया, तब हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जो अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर जी का कहना है जो उन्होंने सही किया है। यही राठौर जी पहले जो हमारा स्पोक्स पर्सन के ऊपर विश्वास ही नहीं करते थे, जो कि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लीक से आए थे, जो कि पहले शुरुआत में उन्होंने नहीं था, जो 20 फरवरी पे जो हमारा अनशन चालू हुआ है उसी टाइम से नहीं आया, उन्होंने मार्च महीने का आखिरी में आए थे और फेडरेशन का साथ में मिला, उसका बाद अपना जो सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल का व्यू को बढ़ाने में लगे, जो कि पहले से भी आपने सुना है जो उसी करीब 10 लाख से ऊपर जो पूर्व सैनिक उसी के अंदर दर्शक है, जो सैनिक वेलफेयर यूट्यूब के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर उस यूट्यूब चैनल अपना व्यू बढ़ाने में लगा, बल्ले बल्ले का नारा लगाते थे, आपने सबको पता है। लेकिन अब उन्होंने जो फेडरेशन ऑफ पटना एसोसिएशन को पिछले दरवाजे से हाईजैक कर दिया, जो अभी फेडरेशन ऑफ पटना एसोसिएशन सबसे पहले करना चाहिए था उनका रजिस्ट्रेशन, अब इतना महीना होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन को पेंडिंग रखा गया है, इसके जिम्मेदार कौन है? जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर, इसका जवाब क्यों नहीं दिया? 150 संगठन को लेकर बैठा है और उनका उन्हीं को उनका साथ में मिलाने के बावजूद उनको धोखा दिया गया है। पूरे पूर्व सैनिकों को, जिस जवान को हिंदुस्तान का जो पूर्व सैनिक जिस जवान का सपना था एक फेडरेशन अपने नाम पर बने, उसी के लिए जो जी जान लगाया, जो कईयों ने जो जंतर मंतर पे अनशन पे आया, जो सरकार ने हमारे को ये सीट के यहाँ पर लेकर आया हुआ है, आप देख लीजिए यही नज़ारा। ये सब जो संगठन का पद अधिकारी है, जिस जवान संगठन का पद अधिकारी है, आपको हम दिखा रहा हूँ लाइव। यहाँ पर मंदिर मार्ग थाना में जो अंदर का दृश्य है, ये मंदिर मार्ग थाना का अंदर का जो दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, बाहर इससे भी ज़्यादा जो पूर्व सैनिक बाहर खड़े हैं, जो कि उनका दृश्य हम नहीं दिखा सकता है, जो कि हम इसके अंदर अंदर कैद है, जो हमारे बारे में बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है सरकार के साथ में, जो कि हमें गिरफ्तार करके रखा है, जो कि हम अभी रिलीज नहीं है, जो कि हमें रिलीज करे या ना करे, उनका कहना यही है तिहाड़ जेल में बंद कर दे या गोली मार दे, जो भी करना कर ले, जो कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, जो देश का सेवा किया है। इसी के अंदर जो जो हमारा कीर्ति चक्र मेडल होल्डर को भी इसी के अंदर बिठाया गया है, किसी प्रशासन को ये भी नज़र में नहीं आ रहा है जो इसी के लिए क्या इज्जत है, जो मेडल से दिया जाता है उसको ऊपर इज्जत क्या करना है, वो भी नहीं है। इज्जत है जो मेडल से दिया जाता है उसको ऊपर इज्जत क्या करना है, वो भी नहीं है। आप जो लाइव रिपोर्ट हम दे रहा हूँ आप देख लीजिए, आखिरी हो गया कि इन्होंने हमको मतलब थाने में भी बंद कर दिया, या तो हमारा कसूर बताएं या हमको सर्टिफिकेट दें यहाँ कि ये नजायज हमने मतलब हिरासत में रखे तो चार घंटे हिरासत में रखने का मतलब क्या है इनका, बिना वजह बिना मतलब दे, या तो हमारे को दोस्त बताएंगे, तुम्हारा दोस्त नहीं है।